मरना हर एक ने है
गल नूं अज तक कोई जान नहीं सके। ते जो वचन अगे पंक्ति दे अंदर गुरु बाबा जी ने कृपा करके बख्शिश कीते, साहिब जी कहिंदे क्या जाना के मर हैंगे, कैसा मरना होए, जेकर साहिब मनहु ना विसरै ता सहला मरना होए। कहिंदे भाई पर जे इस संसार दे उत्ते जन्म प्राप्त करके, साहिब जी कहन लगे तू निरंकार दी याद विच जुड़ के सतगुरु जी ने बाणी के अंदर यह समझाया सानू, देखो गुरमुखो जीवन जेड़े संसार दे उत्ते जिन्हां नूं जन्म प्राप्त हो गया ना भई प्राप्त मालक दे हरिया जीव उस निरंकार तो आता ही हिस्सा है, निरंकार का ही रूप पर पिछड़ के दुख पाता है। भुगते नूं सतगुरु जी कह लगे मनुखा दे प्राप्त हुई, मनुखा दे दुर्लभ जिहड़ी कबीर साहिब जी का भी वचन पढ़िए आपां समझ लगेगी, कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होए ना बारे बार, जो बण फल पाके भोए ग्रह, बहर ना लागै दार। इन्नी दुर्लभ देही जिक्र कीता, कहिंदे मनुखा जन्म ओह भलिया तैनूं जिहड़ा प्राप्त, क्योंकि जे इह मनुखा देही एक बार इत्थों खुस गई ना दोबारा प्राप्त नहीं होवेगी। उदाहरण दे के समझाया, कहिंदे जौ बण फल पाके भोए ग्रह, बहुत ना लागे डार। कहिंदे दरख्त दी टाहणी नाल जिवें पक्किया होया फल टुट के एक बारी धरती ते डिग पवे, दोबारा ओह पक्किया ते टुटिया फल दरख्त दे टाहणी नाल जोड़िया नहीं जा सकता। कहिंदे इसे तरह एक बारी जिहड़ी इह मनुखा देही हथों खुंझ गई दोबारा प्राप्त नहीं होवेगी। इस करके ओह भलिया अपने इस जीवन नूं सवारना कर, अपनी इस जिंदगी नूं संभालना कर। ते क्यों समझाउंदे ने, क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते इस जिंदगी का भरोसा ही कोई नहीं, इस जिंदगी का भरोसा ही कोई नहीं। इत्थे गुरु बाबा जी बाणी अंदर समझाउंदे कहते हम आदमी हां इक दमी, मोहलत मौत ना जाना। कहते भाई एक श्वास आ शरीर के अंदर आ रहा ते आदमी का हुंदा है, कहते जदों श्वास मुक जाण उसे वेले ये शरीर मिट्टी की ढेरी बन जाता है, उदों उहनूं कोई आदमी नहीं कहिंदा, उदों सारी लोथ कह के बुलाउंदे ने, लाश कह के बुलाउंदे ने, ये फलाने दी लोथ पई, इहदा नहीं कहिंदे फलाना सिउं पिआ, ये कहिंदे ने फलाने दी जग रोटी पई है, फलाने दी लोथ पई है, ये उहनां। इस करके देखो उह निरंकार दा इह हुकम है भाई, उस निरंकार दे हुकम है अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई, हुक्म तो बाहर अज तक कोई चल नहीं सकिया। ते इसे तरह भावा के परिवार नूं दुख लगे, इस गल दा वैराग भी बड़ा होवेगा, क्योंकि जदों साडा कोई स्नेही साडा कोई प्यारा उस निरंकार दे हुक्म दे अनुसार इस संसार वैराग जिहड़ा जरूर बह तुरदा है, इस गल तो कोई मुनकर नहीं हो सकता। ते जाण वाला विछोड़ा देण वाला उहदा स्थान किते होवे मां दा, फिर ते इस गल दा दुख ते ओह वैराग बयान ही नहीं कीता जा सकदा, क्योंकि ओह मां जिहड़ी 9 महीने उस निरंकार दे हुक्म दे अंदर सानू अपने आप उधर दे अंदर पालदी है, सानू आप उधर दे अंदर संभाल के रखदी है, ओह मां जिहड़ी साडा पालन पोषण भी करदी है, ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਗਿੱਲੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਮਾਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਰਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਸੰਬੰਧ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਮੋਹ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਦੀਪਕ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੋੜਾ, ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਮਿਣਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਜੋ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਏ ਇਹੋ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਚਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਈਏ ਜੇ ਉਹ ਮੌਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੇ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਇਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਾ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਚਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਬਣੋ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਭੋਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਦੇਹ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਉਹ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਮੋਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮੀ ਮੌਤ ਮੌਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਦ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਐਸੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਣ ਅਸੀਂ ਸੜੀਆਂ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨੇ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨੇ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨੇ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਂ ਸੜੀਆਂ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਂ ਸੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨੇ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨੇ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨੇ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨੇ ਕਰਦੇ ਕਾਹੋ ਏ
सो समाप्ति का समा हो चुका है। कीर्तन कर दिया, विचारा कर दिया, मंगा व्यर्थ को लाने के मांग सतगुरु जी इतिहासिक संत बख्शन जो लोग बख्श लेना और सारी संत परम लग के ना सेव दिया शेख बड़ियों का जाप कर राम कली आनंद ओंकार सत प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ना पाया सहज सेती मन बदिया ਸਹਾਈ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਕਾ ਧਿਆਨ ਤੱਕ ਬੋਲਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਜੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਧਾਰਮੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਕੱਪੜੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ ਤਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜੇ ਗਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੱਕੇ ਬੋਲਾ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਰਖਤਾ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਤੱਕੇ ਬੋਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤਾਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸਿਆ ਲਿਆਏ ਤੋ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਵਿਰਧ ਕੀ ਪੈ ਜੋ ਪੰਥ ਕੇ ਜੇਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਸਾਹਾ ਦਾਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਤਾਨ ਚਮਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਮੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀ ਮੈਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਾਈ ਸਹਾਇ ਕਰਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ੋ ਹੈ ਬਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਰਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣੇ ਦੇ ਤਾਨ ਸਰਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹਾ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਹਾਏ ਕਲਿਆ ਪੈ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇਵ ਜੀ ਜੇ ਮਹਾਂਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਦੇ ਮਹਾਂਵਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਦਾ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਕੁੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੂਹ ਪਿਛਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦੇਵਕ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸੂਰਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਦਰਵਾਸ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲ ਭਲਾ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿ ਵਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਭਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ ਪਿਛੜੀ ਆਤਮ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਪਿਛੜੀ ਆਤਮ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਕਤ ਬਲ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਠਾਣ ਵਰਤਾਉਣੀ ਜੀਆਂ ਤੇ ਵੇਅਰ ਕਰਨੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋਹਣੇ ਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਾ ਕੀਤੀ ਗੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਸਕੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸਹਿਲੇ ਕਰਨੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਦਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਵ ਸੰਗਤ ਕਰਾਤੇ ਜੋੜੇ ਛਕੇ ਸਵਾਸ ਵਤ ਨਾਮ ਲਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਰਵਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਗੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਲ ਮੁਕਤਾ ਮੰਦਾ ਤੇ ਲੋਦਨ ਕੋ ਸਿੱਖੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਨਤਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਦ ਦੇ ਸੱਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੱਖਣਾ ਦੁੱਖਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਨਵਾਜ ਇਲਾਹੀ ਹਕੂਮ ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ੋ ਕਰਤਾਰ ਕਰੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਹਨਾਂ ਮੇਰਿਆਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੁਹਲਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਪੈ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਖੁਆਲ ਹੋਏ ਸਭ ਲੈਣਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੁਤਰੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰਿਓ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰਿਓ ਉਤਾਰਨ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕੱਲੇ ਅਵਲਾ
इस शोक समय के जो भी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कोई भी जीव आत्मा जो इस संसार में आती है, एक न एक दिन उसने चले जाना होता है। किसी भी इंसान को तीन गल्लां दी बाबत पता नहीं होता कि उसकी मृत्यु कदों होनी है, किस कारण करके होनी है, तो किस स्थान पर होनी है। माता जी उन्होंने हले जाने का समा नहीं सी, वधिया उन्होंने दी सेहत सी, परंतु थोड़े जे समय में ही माता जी ये सानू छड़ के चले गए। जो इस परिवार की जिहड़ी रहनुमाई सी वो इस समय माता जी कर रहे सन, क्योंकि 7 साल पहला बहुत ही सत्कारयोग स्वर्गी अमरनाथ जी की डैथ तो बाद समुची परिवार की जिम्मेवारी उन्होंने मोढ़ियां ते आण पई सी। सो उन्होंने अंत समय तक परिवार का मार्गदर्शन किया। जदों कोई जीव आत्मा इस संसार विचों चली जाती है, आपां उस जीव का लेखा जोखा करते हाँ कि वो इस संसार विच आके उसने अपने बच्चों नूं जां किस तरह की उन्होंने सिक्ख्या दित्ती। सो मैं समझदा हाँ माता का जब असी लेखा जोखा करते हाँ, सब तो पहला माता का जिहड़ा पेका परिवार है उहदा सानूं याद आउंदा है कि उन्होंने वधिया इन्हां नूं संस्कार दित्ते, तां फिर ही इन्होंने आपके बच्चों नूं एडे वधिया संस्कार दित्ते। दीप करोड़ा जी, उन्होंने ब्रदर संदीप अरोड़ा जी, उन्होंने भैन पूजा जी, माता जी ने उन्होंने हर पक्षों इस संसार विच विचरन लई वधिया सिक्ख्या दित्ती। इस अजकल दे युग दे विच बराबर ते खड़े होण दा उन्होंने वह बालक वो मान दिता। जिस तरह के सकत्र साहब पहला दस के ही गए है भी ये परिवार जिहड़ा हैगा किसी पहचान का मुताज नहीं है, ये परिवार शुरू तो ही शोषित परिवार है। लोगों के दुखों सुखों में ये मूहरे होकर खड़ते हैं, लोड़वंद की यथापूर्व के मदद भी करते हैं। सो इस तरह का अजकल आप कहने कलयुग के जमाने में बहुत घट संस्कार वाले परिवार होंगे है, जिस तरह यह माता जी का परिवार जां उन्होंने पुत्र दीपक जी जां उन्होंने दूजे ब्रदर संदीप जी पूजा जी, जिस तरह इन्होंने अपनी पढ़ाई में मल्लां मारियां। मैं समझदा हाँ इस तरह के इस तरह के माता का चले जाना जिथे एक समुचे परिवार को ना पूरा होने वाला घाटा पिया है, उत्थे ये समाज में भी बहुत वड्डा एक घाटा पिया है जिहड़ा कि ना पूरा होने वाला घाटा है। सो बहुता समा मैं ना लेंदा होया, अंत विच मैं उस विछड़ी आत्मा नूं अपने वल्लों शरदा दे फुल भेट करदा हाँ, अते वाहिगुरु उस परमात्मा अगे अरदास करदा हाँ कि वह सच्ची सुची उस रूह नूं अपने चरणों विच निवास बख्शे ते पिछे समुचे परिवार नूं पाणा मुण दा बल बख्शे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी दे विच कौर जी की अंतम अरदास लई जुड़ बैठी गुरु रूप साध संगत जी, सब तो पहला फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे तो पहला बोलते एक्सीएम साहब और स्टेट सैकटरी साहब ने परिवार के बारे बहुत गंभीरता के नाल सारे नाल विचार सांझे किए हैं। अखीरी गल इत्थे ही मुकदी है कि हर बंदा कहिंदा कि मौत एक अटल सच्चाई है, जो जीव दुनिया ते आया उन्हें एक ना एक दिन चले जाना। हालात यह ने कि जो कोई भी इंसान इस दुनिया ते आउंदा है वह शरीरक रूप दे विच इकल्ला आउंदा है, पर अपनी उम्र हंडाउंदिआं हंडाउंदिआं उस इंसान के बहुत सारे समाजिक परिवारिक रिश्ते बन जाते हैं। अज शरीरक रूप दे विच तां माता नीलम कौर जी अपने तो कल्ले ही गए है, पर अपने नाल बहुत सारे समाजिक परिवारिक रिश्ते चले गए। किसी दे नाल चाची का रिश्ता, ताई का रिश्ता, मां का रिश्ता, भूआ का रिश्ता,
बहुत सारे इस तरह के जो रिश्ते अच उन्होंने नाल कल्या चले गए हैं जिन्हों का घाटा कदे नहीं पूरा हो सकता। पंजाबी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दलीप कौर टवाना जी ने लिखा कि इस दुनिया तो जान वाले इंसान की सिवे की अग का सेक हर उस इंसान को उन्ना उन्ना चलना पैंदा जिन्ना। सो अज जो इस सिवे की अग का सेक दीपक अरोड़ा जी उन्होंने परिवार को झलना पै रहा उन्होंने तो बेहतर कोई नहीं जानता। सो अंत दे विच मैं अपने वालों माता नीलम कौर उन्होंने चरणों के शरदा के फुल भेंट करता हो परमात्मा के अगे अरदास करते हैं कि उस विछड़ी रूह अपने चरणों के निवास बख्शन पिछे परिवार को भाणा मनन का बल बख्शन। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। माता नीलम राणी जी की अंतम अरदास जुड़ बैठी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने चरणों के बैठी समुची साध संगत जी फतेह प्रवान करनी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। इस परिवार बारे माता नीलम राणी जी बारे मेरे तो पहला बुलारिया ने बहुत वधिया वधिया लफ्जा दे विच बड़िया सोहनिया गल्ला कीतियां। मेरा इस परिवार के नाल 2004 का वाह है। मैनू याद है जो असी 2004 दे विच रूरल एनजीओ दीआं क्लबां दी मैंबरशिप करन लई पिंड पिंड जा रहे सी तो उस वेले इस पिंड दे विच आए तो साड़ी सब तो पहला डॉक्टर बलराज जी ते दीपक जी दे नाल मुलाकात हुई सी। तो उस वेले भी खूनदान दे खेतर दे विच काम कर रहे सी और उहदे नाल नाल पल्स पोलियो दे विच सेहत विभाग की मदद कर रहे सी। सो अखबारों के इन्हां दीआं गतिविधियां असीं पढ़ते सी बड़ा मन सी कि समाज सर समाज सेवा समिति के मैंबरां दे नाल तालमेल किया जाए। सो इन्हां नूं असीं चेचे तौर पर मिलने वास्ते इन्हां दे पिंड आए इन्हां नूं संस्था दे नाल जोड़िया और उदों तों लैके लगातार दीप करोड़ा जी रूरल एनजीओ मोगा के मैंबर बन के इन्हां ने कल्ला पिंड दा ही नहीं पूरे इलाके का नहीं बल्कि पूरे जिले का काम सांभिया। 2 साल लिए ब्लाक प्रधान दे अहुदे ते भी रहे बाघा पुराणा ब्लाक प्रधान दे अहुदे ते इन्होंने काम किया बहुत वधिया काम किया। सो खूनदान के खेत्र दे विच इस पिंड का बहुत वड्डा योगदान है। उहदे विच मेरे वीर दीप करोड़ा जी का नाम जिहड़ा मोरली सभा दे विच आउंदा है। किता मुखी सिखलाई दे असी 3-4 कैंप लाए हैं इस पिंड दे विच जिहदे विच इन्होंने तकरीबन 350-350 के करीब बच्चों सिलाई कढ़ाई पार्लर वगैरह कुकिंग वगैरह की सिखलाई दी और इन्हों तो प्रेरित होकर पिंड के नौजवानों ने पिंड एक लाइब्रेरी की स्थापना की हुई है। और भी बड़े अनेक ही काम जोड़े पिंड पद्धर के इलाके किए गए हैं। सुंदर सिंह जी कह रहे थे कि जो बंदा कोई भी इस दुनिया तो जाता है तो आप इस समाज में योगदान देखते हैं कि इस समाज को की देखे गए। सो मेरे ख्याल मुताबक साढ़े माता नीलम राणी जी उन्होंने मैं कोट कोट प्रणाम करता है उन्होंने अपनी संस्था वालों शरदा के फुल भेंट करता है जिन्होंने साढ़े समाज में दीपक अरोड़ा वर्गा हीरा पुत दिता है। अज वो स्वर्गों के बैठे उन्होंने कोई इस गल का रंज नहीं रहेगा कि मैं इस दुनिया तो चलेगी मेरे पुतों का कौन वाली बात सोचा क्योंकि उन्होंने दिते संस्कार के नाम दीपक अरोड़ा जी संदीप अरोड़ा जी उन्होंने सैकड़े की हजारा मावं बना लिया ने जिड़िया उन्होंने दुआवं भी कर दी हैं जिड़िया उन्होंने आशीर्वाद भी दिखाई हैं। सो ये जी खट्टी खट्टी है उन्होंने समाज के
मैं कहना महान है इस परिवार को कोटन कोट प्रणाम है और नाल ही मैं अपने वालों और अपनी संस्था जिला रूरल एनजीओ क्लब एसोसीएशन मोगा सरबत का भला चैरिटेबल ट्रस्ट मोगा वालों कोटन कोट नमन करता है उन्होंने श्रद्धा के फल भेंट करता वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। श्री वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहला साढ़े भरा दीपक अरोड़ा इन्होंने माता जी नीलम राणी जी की अंतिम अरदास पहुंचे मेरे दोस्त रिश्तेदार मित्र धार्मिक संस्थावां तो राजनीतिक संस्थावां तो लोग समाज सेवी संस्थावां तो पहुंचे जिन्हें भी भरा इतने आए ने सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। सानू पिछले 25 दिन पहला जो माता जी नू पैरालाइस का अटैक आया सी ते उस तो बाद परिवार ने दीपक ने साड़ी भैन ने उन्होंने दूजे भरा संदीप जी ने उन्होंने बहुत सेवा की थी। माता जी बिल्कुल ठीक हो गए सी 4-5 दिन पहला पर अज तो 3-4 दिन पहला अचानक उन्होंने फिर अटैक आया जिसके करके वो इस दुनिया तो चले गए। गुरु साहब की मर्यादा के अनुसार जदों भी कोई वस्तु जदों भी कोई इंसान इस दुनिया से आता जन्म लेंदा जा कोई भी वस्तु बनती है तो उस समय उसका यह निर्धारित हो जाता कि एक दिन इसका अंत हो जाना पर इंसान अपनी सूझबूझ अपनी अकल अपने समाजिक रुतबे करके इन्नी पहचान इन्ना मोह प्यार इन्नी मुहब्बत बना लैंदा कि जदों वो दुनिया तो जाता जिदा संगा साहब ने कहा जदों दुनिया तो जाता तो उसका दुख ज़्यादा होता। आम तौर पर दुख को दो हिस्सों में बंट के देखा जाता एक तो होता दुख सहना एक होता दुख को समझना। दुख सहन का मतलब जो कोई इंसान दुनिया तो जाता जिन्हों छड़ के जाता परिवार को छड़ के जाता जिदे नाल उनका बहुत मोह मुहब्बत प्यार होता उन्होंने दुख होता तो वह दुख इंसान अपने ते महसूस करता अपने पिंडे ते हंडा अपने मन के महसूस करता तो दुख समझ का मतलब होता कि आप मन लेना चाहिए कि ये इंसान एक मर्यादा के अनुसार जिस तरह दुनिया आई इतों चली गई उसने भी एक टाइम जाना ही सी उसका भी अंतिम समा निश्चित सी ये होंदा दुख समझना। मैं अपने वालों अपनी पार्टी वालों सारे लोगों वालों परिवार के दीपक जी साड़ी भैन पूजा भाई संदीप जी परमात्मा की हाजरी में बेनती करना कि परमात्मा इन्हों माता जी का दुख समझ का आशीर्वाद दे। उस तो बाद पिछले 2-3 दिन तो पार्टी के तकरीबन सारे ही लीडर साहबान जिन्होंने उन्होंने मैं कहा कि तुम साड़ी हाजिरी लवा दौ MLA गुरदार सिंह जी संतमा कोटपुरा वह भी कल आके गए ने MLA मास्टर बलदेव जी जैतो वह भी कल आके गए ने MLA मनजीत सिंह जी बिलासपुर निहाल सिंघला वह भी अपनी हाजिरी लवा के गए ने ते अज सवेरे ही पार्टी प्रधान सरदार भगवंत सिंह मान उन्होंने भी फोन पर अपनी हाजिरी लवाई है तो गुरमीत सिंह मीतहर MLA बरनाला उन्होंने भी हाजिरी लवाई है। तकरीबन सारी पार्टी ने क्योंकि दीपक अरोड़ा हो सकता अपने हल्के अपने पिंड आम इंसान एक समाज सेवी हो गए पर पंजाब के तौर पर साड़ी पार्टी के तौर पर दीपक अरोड़े की पार्टी के बहुत वड्डी देन है जिनी असी सोच भी नहीं सकते आप इतने बैठे सोच भी नहीं सकते। जो भी कित पार्टी के वे लैवल से कोई भी प्रोग्राम होंगे ने मीटिंग होंगे ने इस भरा ने अपनी मेहनत सदका अपनी सोच सदका इन्नी सफलता पार्टी के हासिल की है कि जो 3 दिन पहला पता लग्या तो तकरीबन सारे लीडर साहबान ने सारी लीडरशिप ने सानू फोन करके परिवार के नाल खड़े दिए से अपने वालों भी बेनती करते हैं पार्टी वालों भी बेनती करते हैं असी दीपक अरोड़ा के दीपक के नाल खड़े हैं सारे हर दुख सुख के टाइम इन हाजरियां कबूल करो। वाहेगुरू जी का खालसा श्री वाहेगुरू जी की।